Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed the construction of measurement angle 45 degrees in previous lecture. ठीक है, तो आज हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं ए बी सी इन विच मेजरमेंट ए बी इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए सी इक्वल्स 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल एट ए इज गिवन दैट इज 45 डिग्रीज हियर. ठीक है, अब देखिए इन मेजरमेंट्स को यूज करके हमने सबसे पहले तो ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा. ठीक है, तो आप ये देखें कि दोनों साइड्स में ए पॉइंट मौजूद है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ रूलर हम पहले यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बी मार्क करना चाहते हैं हम, तो ए बी 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नीफायर भी यूज करते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो सके. यू कैन सी हियर 3.3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर विल बी हियर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पॉइंट कंसिडर करना होगा. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि 3.2 सेंटीमीटर प्रॉपर प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो हम जो लाइन सेगमेंट ले रहे हैं वी विल टेक फ्रॉम हियर फ्रॉम 0 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि ए पॉइंट पे पहले 45 का एंगल ड्रॉ करें. ठीक है, 45 के एंगल के लिए आपने क्या वर्किंग करनी होगी, सबसे पहले आपने कंपास को ओपन करना है. ठीक है, अब देखिए कंपास के को ओपन करने के लिए ना मैं मतलब ये जितना भी प्रोसीजर है ना उसको मैं कोशिश करती हूँ किसी लाइट पेन से ही मार्क करूँ. आप ऐसा करें यहाँ पे 45 का एंगल बनाएं. 45 इज हाफ ऑफ 90. ठीक है, इट मींस फॉर 45 फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ 90. ठीक है, तो जरा 90 ड्रॉ करें. 90 के लिए आपने ये प्रॉपर वर्किंग करनी है. ठीक है, मींस आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, और फिर उस सेमी सर्कल के थ्रू आपने प्रॉपर जो है वो आर्क्स मार्क करनी है. ठीक है, ये देख सकते हैं आपने सेमी सर्कल लगाया. सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम ऐसा करते हैं कि कंपास को इस पॉइंट पे मूव करते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हमने नेक्स्ट वर्किंग करनी है. ठीक है, इस पॉइंट को मूव करके दो आर्क्स लगानी है. वन शुड बी हेयर एंड फिर आपने नेक्स्ट इसी पॉइंट पे कंपास को लेके जाना है और एक आर्क लगानी है विच विल बी हेयर. ठीक है, फिर इसी पॉइंट से आपने मज़ीद जो है वो एक आर्क कंसिडर करनी है जो कि हमने फॉर 90 यूज़ करनी है. ठीक है, मतलब 90 के एंगल के लिए यूज़ करनी है. तो आप क्या करें, इस पॉइंट से एक आर्क लगा दें, एक आर्क ये आ रही है और फिर आप इसी कंपास को इस पॉइंट पे मूव करें और यहाँ से रख के आर्क लगाएं. यू कैन सी कि यहाँ पे जो आर्क आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है. ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रेज कर दें. ठीक है, एक्स्ट्रा जितनी भी आर्क्स आ रही है ना कोशिश करें उनको रेज कर दिया करें ताकि आपको क्लियर फिगर दिखे. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप प्रॉपर ज्वाइन करेंगे ए पॉइंट के साथ क्योंकि हमने इसको ना ए बी मार्क किया हुआ था. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि ए के साथ इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एंगल ऑफ 90 आपको मिल गया. लेकिन फुल एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपने क्या करना है कि जब एंगल आपको गिवन ना हो ना, मतलब फुल आपने ड्रॉ ना करना हो, तो आप ये करें कि सिंपल इस पे चेक कर लिया करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है. ये देखिए मैंने बाकी रेज कर दिया है. ठीक है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेमी सर्कल पे है ना मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, बट आर्क्स लगे रहने दें क्योंकि आर्क से ही आपको क्लियर होगा कि आपने वर्किंग कैसे करनी है नेक्स्ट. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगेन कंपास कंसिडर करनी है और इस कंपास की हेल्प से आपने अगेन बाइसेक्ट करना है इस एंगल को. ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि जो 90 के पॉइंट्स आ रहे हैं ना वहां रख के दो आर्क्स लगानी है. ठीक है, एक आर्क जैसे देखिए ये आ रही है. ठीक है, और दूसरी आर्क आपके पास कुछ इस तरह से होगी इस पॉइंट से रख के, तो वो आर्क आप लगाएंगे तो ये आएगी.
ठीक है, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, आपने इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करना है, ठीक है। जब आप इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करेंगे ना, तो बेसिकली ये जो एंगल आएगा वो 45 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप ए के साथ इस लाइन को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दें, आप देख सकते हैं कि ये लाइन आ रही है, ठीक है। मतलब कि मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड किया। जब आप एक्सटेंड करके इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उससे अभी फिलहाल आपने ए बी ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को भी ना फिलहाल ये जो लाइंस आ रही है इनको डॉटेड मार्क कर देती हूँ, ठीक है। जब आप कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल करेंगे तो लाइट लाइट मार्क कीजिएगा ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। अब हम ऐसा करते हैं कि जो रिमेनिंग हमारी मेजरमेंट है उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। दो मेजरमेंट्स प्लॉट हो चुकी हैं, थर्ड ए सी 3.2 है, तो ए पे रख के 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कंपास, और यहाँ पे कंपास में 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ कंसिडर की है वो 3.2 ही आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3.2 है, ठीक है। अब 3.2 मेजरमेंट जो है इसको ए से रख के लगाना है, क्योंकि ए सी आपको मेजरमेंट गिवन है, ठीक है। अगर ए से रख के लगाना है तो देखिए मैंने इसकी नीडल को ए पे रखा है, ए पे रखने के बाद ना आपने ये जो पॉइंट आ रहा है ना इस पे आपने आर्क लगानी है, मतलब ये जो एंगल का आर्म आ रहा है इस पे लगानी है, मैंने ब्लू कलर में मार्क किया है। ये प्रीवियस लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, जिसको हम रेड से भी मार्क करने लगे हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को सी का नाम दे दें, और सी का नाम देने के बाद आप इसको बी से ज्वाइन कर दें। जब आप बी से ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो शेप है ये बेसिकली ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखनी है, तो ए भी आपको 3 सेंटीमीटर गिवन था, बी सी अब कुछ भी गिवन नहीं है, बट ए सी 3.2 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री के इक्वल है। सब वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट करने के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने जो जो वर्किंग की है उसको हमें साथ साथ थ्रू आउट शो करना होगा, ठीक है।